अनंत सिंह अभी तक जैसे कि हम अपने मित्रों के साथ पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ हमारा अभी तक, उनमें मैंने ये देखा है कि कुछ मित्र ऐसे रहे हैं जो किसी गुरु से सशरीर जुड़े रहे हों, बाद में उनके गुरु नहीं रहे, सूक्ष्म शरीर में चले गए, विलीन हो गए। बाद में उन्होंने हमसे डिस्कस किया कि हम जिस गुरु से जुड़े थे उनका नाम फला फला था, और बाद में हमको सूक्ष्म शरीर में प्रकट होकर के हमारा मार्गदर्शन किए किसी मुसीबत में। ऐसे तमाम लड़कों ने अपनी अपनी बातें अनुभव की, शेयर की हमसे अपनी बातें। तो हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि जैसे हम ही आपसे जुड़े हैं, सालों से जुड़े हैं, वर्षों से जुड़े हैं, तो आपका मेरे सामने उपस्थित होकर के हम कोई चीज़ अपनी बातें परेशानी में है कुछ भी है उसको शेयर कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा चमत्कृत है कि आप शरीर में ना रहें फिर हम आपकी बातें किसी से शेयर करें कि आप सूक्ष्म शरीर में मुझे उपस्थित हो गए और मुझे मार्गदर्शन कर लिए मेरे मुसीबत में, तो वो ज़्यादा मूल्यवान है। हम पूछना आपसे ये चाह रहे हैं कि लोग इतना सूक्ष्म शरीर में रहते हुए गुरु को इतना मिस्टिफाई क्यों करते हैं? क्या शरीर में रहते हुए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है? उसकी उपयोगिता तब बढ़ जाती है जब वो सूक्ष्म शरीर में हो जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बात तुमने पूछी है महत्वपूर्ण है। अध्यात्म की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है चीज़ों को बेवजह मिस्टिफाई करना, उनको बेवजह रहस्यमय बनाना, और इसमें लोग उलझ के रह जाते हैं। अब किसी भी गुरु का या किसी भी व्यक्ति का सचमुच में होना और अदृश्य रूप में उसका प्रकट होना, इन बातों को अगर हम देखें तो इसमें मूल्य तो सबसे ज़्यादा यही है कि जब हम साक्षात किसी के आमने सामने हैं। और ये सूक्ष्म में जो प्रकट होने की बात उठाई है ना, ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन हेलुसिनेशन भी लोगों के दिमाग में भर गया है। इसके लिए तमाम ऐसे महापुरुष उत्तरदायी भी हैं जिन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं, ऐसी बातें बोली हैं कि कोई गुरु सूक्ष्म से प्रकट होता है, आसमान से प्रकट होता है, या कहीं से अदृश्य से वो सामने आ जाता है और मार्गदर्शन करता है। कभी कभी अगर हम इसको इस एंगल से भी देखें कि मान लीजिए हम उन महान गुरुओं की सच्चाई पर यकीन कर लें, तो मेरी ओपिनियन ये है कि इन बातों को अपने तक रखना चाहिए, इन पर किताबें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आम व्यक्ति का मन है वो फिर इनसे कहानियाँ बुनता है, इनको मिस्टिफाई करता है, तमाम लोग तमाम कहानियों में उलझे हैं। और मेरा हमेशा एक ही कहना रहा है कि कोई भी घटना हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कैसी भी हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। और रूपांतरण का मतलब क्या है? जीवन में अखंडित शांति और प्रसन्नता, समस्वरता। अगर जीवन में ये अखंडित शांति है, प्रसन्नता है, समस्वरता है, अनब्रोकन पीस, हारमोनी और हैप्पीनेस है, तब तो हम रूपांतरण को कह पाएंगे। और अगर ये नहीं है और व्यक्ति केवल किस्से कहानी ही सुनाता है, तो किस्से कहानी में रूपांतरण नहीं होता है कि हमने ऐसा देखा, हमने वैसा सुना, हमने ऐसा महसूस किया, हमारे अंदर ऐसा हुआ, ये सब कहानियाँ हैं, कहानियों में कोई मतलब तो है नहीं। तमाम लोग आते हैं। कुछ वक्त हुआ मेरे पास एक लड़की आती थी, उसने कहा कि मेरे गुरुजी कहीं से भी अचानक प्रकट होकर मेरा हाथ थाम लेते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और फिर कुछ समय बाद उसका उन्हीं गुरु से विवाद हुआ और सारा मनमुटाव पैदा हो गया। प्रश्न ये है कि अगर इतनी बड़ी बात सचमुच में उसके साथ हुई होती तो क्या मनमुटाव की घटना आती? तो ऐसे में ये घटना हुई ही नहीं होती, ये उसका हेलुसिनेशन होता है। अब प्रश्न ये है, क्या हेलुसिनेशन में व्यक्ति को यकीन हो सकता है कि ऐसा हो रहा है? तो बिल्कुल हो सकता है। हम ह्यूमन माइंड को जानते नहीं हैं। ह्यूमन माइंड पर बहुत काम हो चुका है, हो रहा है, और आगे हम और गहराइयों में जाकर चीज़ों को समझ भी पाएंगे। अगर किसी चीज़ को व्यक्ति बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करे, बहुत ज़्यादा उस पर सोचे, अपने मन के अंदर बहुत सारे वैसे विचार डाले, तो ये संभव है कि जो वो सोच रहा है उसका उसको साक्षात्कार होने लग जाए। आध्यात्मिक जगत में इसीलिए अनुभूतियों का लोग बड़ा महत्व मानते हैं, लेकिन अनुभूतियाँ सब बेसलेस होती हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं होता है, यूजलेस होती हैं। किसी भी अनुभूति का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि तुम जितना उनके बारे में सोचते हो तुम उनको देखने लग जाते हो। तुम कोई खास देवी देवता, उसकी तस्वीर, उसकी इमेज, उसको अपने दिमाग में बिठा कर चल रहे हो और तुम उसके दर्शन की बहुत आकांक्षा कर रहे हो,
तो एक दिन तुम्हें दिखाई देगा कि वो देवी देवता प्रकट हो गया, लेकिन वो तुम्हारे विचार और तुम्हारी प्रोग्रामिंग में था, इसीलिए तुम्हें दिखा, हेलुसिनेशन हुआ। अब हेलुसिनेशन की डिग्रीज का फ़र्क हो सकता है, कुछ हेलुसिनेशन बड़े फ्लीटिंग से हो सकते हैं, उड़ते उड़ते से हो सकते हैं, आए और गए, कुछ हेलुसिनेशन बड़े स्ट्रांग भी हो सकते हैं, व्यक्ति को लग सकता है कि हाँ है, व्यक्ति को मैंने देखा सामने से गुजरते हुए। ये जितना भूत प्रेत का जगत, जितना ये इस तरह पैरानॉर्मल का जगत है, वो ऐसे ही हेलुसिनेशन पर बेस्ड है, होता कुछ नहीं है, व्यक्ति कल्पना इतनी ज़्यादा कर लेता है कि उसको लगने लगता है कोई है। उसी घर में मान लीजिए तुम रह रहे हो, तुमको कुछ नहीं लगेगा क्योंकि तुम सामान्य हो, ना तुम्हारे अंदर डर है, ना तुमने कोई कहानी अपने अंदर बुनी है, लेकिन कोई और व्यक्ति उस घर में आता है, वो डरा हुआ है, उसके पास कोई कहानी है कि इस घर में मर्डर हुआ था, इस घर में कोई आत्मा भटकती है, इस घर में कोई ऐसी एंटिटी रहती है। अब वो दिन रात इसको सोचता रहेगा, तो कभी अकेले में रात के किसी वक्त में अचानक उसको दिखेगा कोने में कोई खड़ा है, कोई खिड़की के पास से निकल गया, कहीं कुछ हुआ, ये सब उसको दिख सकता है, अनुभव में आ सकता है, लेकिन इस कहानी को उसी ने प्रोजेक्ट कर लिया है। तो ऐसे ही ये गुरुओं की बातें, देवी देवताओं की बातें, ये सब उसके मेंटल प्रोजेक्शन से निकलती हैं, इनमें पढ़ना ही नहीं है। इनमें क्यों पढ़ना चाहिए व्यक्ति को, सूक्ष्म का इतना आकर्षण और महत्व तो होना ही क्यों चाहिए? मैं हमेशा स्पष्ट रूप से कहता हूँ, जब व्यक्ति सामने है, स्थूल में है, वो महत्वपूर्ण है, उसके आगे कोई भी महत्व नहीं, वो तुम्हारी कल्पना ही होगी, उस कल्पना के सिवा कुछ नहीं होगा। अभी चंद साल हुए, एक बड़ी प्रसिद्ध किताब आई थी आत्माओं के बारे में, किसी महिला के बेटे थे, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, तो उसने कहा कि उनकी आत्माओं ने संपर्क किया और उसने उनके माध्यम से वो किताब लिखी, ठीक है। लेकिन जब मैंने उस महिला की तस्वीर देखी तो उसकी आँखों में गहरी निराशा, अवसाद और दुख। अगर तुम्हारा संपर्क हो गया तो तुम्हारी आँखों में निराशा, अवसाद और दुख क्यों है? तुम्हारी अपीयरेंस में वो दुख क्यों समाया हुआ है? अगर वही तुम्हारा बेटा साक्षात तुम्हारे सामने होता तो तुम्हारी आँखों में क्या ये सूनापन होता? क्या ये तुम्हारी आँखों में निराशा होती? नहीं होती, यही कहने का मेरा आशय है। किताबें लिखी जा सकती हैं क्योंकि किताबें तुम अपने ही मन से, अपने ही ज्ञान से लिखते हो, लेकिन तुम कल्पना कर सकते हो कि ये कहीं उस पार से आ रही है, कोई आत्मा लिखा रही है, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा गुरु, कोई भी, लेकिन उसमें कोई इतनी आश्चर्यजनक बात नहीं आ रही है कि जो नहीं कही जा सकती है। तो ऐसी किताबों का भी मैं कोई मूल्य नहीं समझता। आजकल ऐसा बड़ा फेड चला हुआ है चैनलाइज्ड बुक्स, और वेस्ट से तो बहुत चली आ रही हैं, तुम कहीं भी जाओ तुम्हें चैनलाइज्ड बुक्स मिलेंगी, कोई एंटिटी लिखवा रही है। लेकिन जब तुम किताब के पन्ने पलटोगे, पढ़ोगे, तुम्हें लगेगा इसमें कौन सी खास बात है, ये किताब तो लिखी जा सकती है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति या सामान्य बुद्धि का व्यक्ति या ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति उनको लिख सकता है, तो कोई ऐसी नई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ तो लेके नहीं आए आप कि आप कहें कि उस पार के जगत से कुछ चीज़ें आ गई थी तो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई। फिर जो उस पार के जगत की बातें भी हो सकती हैं, वो भी व्यक्ति की कल्पना का ही एक जगत होता है, उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, जिसको बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि जो लोगों को ये सच्चाई लगती है कि मैंने दर्शन किया उस गुरु का, उस महान चेतना का, उस देवी देवता का, तो इतना उनको यकीन क्यों होता है? यकीन इसलिए होता है क्योंकि उनको तो दिखता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं दिखता, उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये एक हिप्नोटिक कंडीशन है। अगर व्यक्ति किसी भी विचार में बहुत खोया रहे और वो ट्रांस में जाए, डीप ट्रांस में जाए, जो कि एक सम्मोहन की अवस्था होती है, हिप्नोटिक स्टेज होती है, और उस डीप ट्रांस की अवस्था में जो भी विजुअलाइजेशन या विचार उसके अंदर पड़े होते हैं वो बिल्कुल एक्चुअल होकर सामने आ जाते हैं, और वो सारी इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, सारे 5 senses के माध्यम से, उसको स्पर्श का एहसास हो सकता है, खुशबू का एहसास हो सकता है, सुनाई देने का, स्वाद का, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये है उसके माइंड से ही, उसके मन से ही है। अब जिनको ऐसे दर्शन होते हैं, अगर उनसे तुम पूछो क्या तुम अपनी इच्छा से उनको कॉल कर सकते हो, तो वो कभी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बड़े बड़े महापुरुषों ने भी जो किताबें लिखी हैं उसमें भी वो मेंशन कर देंगे कि वो गुरु आते अपनी ही इच्छा से हैं, क्योंकि जब तुम अपनी डीप ट्रांस की उस अवस्था में कभी अलाइंड और अट्यून्ड होते हो तो वो तुम्हारे लिए चीज़ प्रकट हो जाती है, लेकिन जब कभी तुम हल्के ढंग से
उस चीज़ में होते हो तो वो चीज़ नहीं होती, या बाहर से कोई तुम्हारे ऊपर दबाव डाल लो तब नहीं होती, तो इसलिए उसकी एक्सेस तो नहीं होती। अब कोई व्यक्ति सचमुच में शरीर में है, मान लीजिए मैं हूँ, तुम्हारी एक्सेस है, तुम पूछ सकते हो, मैं जवाब दे सकता हूँ, उस अवस्था में किसी की भी टोटल एक्सेस तो होती नहीं है, लेकिन चूंकि मिस्टिफाई किए हुए तो कहेगा नहीं नहीं जवाब नहीं दिया, जवाब देने का मन नहीं था, मुझे नहीं दिखाई दे क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं था। तो डीप ट्रांस में जो हेलुसिनेशन पैदा हुआ है उसकी डिग्री और इंटेंसिटी पर ये सारी चीज़ें निर्भर हो सकती हैं, और इससे कोई बदलाव नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, मुझको ही इतने समय से मैं लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, कितने लोग मेरे पास आए गए और ये क्लेम किया कि उन्होंने मुझको भी देखा, उन्होंने कहा कि आप वहाँ प्रकट हो गए, आप इस तरह से अपने बातें करी, और मैंने हमेशा इनकार किया। मैंने कहा भाई मुझे जो कहना है मैं सीधे साफ बात कहता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं प्रकट होकर कोई बात कहूँ, इसकी ज़रूरत भी क्या है। और जो लोग ऐसा क्लेम करते रहे तुम यकीन मानो उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, उन्होंने मेरे पास आने की कंटिन्यूटी तक मेंटेन नहीं रख पाई। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है कि तुम देखते हो कि सूक्ष्म से कोई व्यक्ति प्रकट हो जाता है शटल फॉर्म में, तो तुम्हें तो अभिभूत होना चाहिए, लेकिन तुम अभिभूत नहीं हुए क्योंकि तुम्हारे ही मन का खेल था, तुम्हारा ही अपना हेलुसिनेशन था। फिर हेलुसिनेशन छट गया, धुआं छट गया, बादल हट गए, तुम अपने सामान्य जीवन में लौट आए। लेकिन जो रिलेशनशिप सॉलिड होती है, प्रैक्टिकल होती है, वो हमेशा रहती है, वो कभी मिटती नहीं है, वो हेलुसिनेशन नहीं होती है। आज के वक्त में मेरा ये कहना है कि इन बातों को पूरी तरह हटाना चाहिए, इनका कोई भी उपयोग उपयोगिता नहीं है। सूक्ष्म का करना क्या आपको है? अरे भाई सामने जो है पहले उस जीवन को जियो, उसका साक्षात्कार करो, उसका आनंद लो, और उन बातों को भूल जाओ सूक्ष्म में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर तुम उनमें यकीन करना भी चाहते हो तो हमेशा ये बात ध्यान में रखो, उससे लौटता हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन से एक ही मेरा मतलब है तुम्हारी अनब्रोकन पीस ऑफ माइंड, मन की अखंडित शांति और अकारण प्रसन्नता की एक दशा।